फिल्म प्यार के पंचनामा से बॉलीवुड में कदम रखने वाले कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में अपनी एक चॉकलेटी हीरो की एक अलग इमेज बना ली है। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने कई सुपरहिट मूवीज बॉलीवुड में अभी तक दे चुकी है, जिसमें प्यार का पंचनामा और सोनू की टीटू की ट्विटी जैसी सुपरहिट मूवीज शामिल है। अब आपको बता दें कि साल 2022 में कार्तिक आर्यन की आने वाली मूवीज की लिस्ट तो काफी लंबी है, जिसमें भूल भुलैया 2, धमाका और फ्रेडी जैसी मूवीज के नाम शामिल हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन की एक और अपकमिंग मूवी का अनाउंसमेंट सोशल मीडिया में किया गया है, जिसका नाम है कैप्टन इंडिया और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं हंसल मेहता। आपको बता दें कि इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं रॉनी स्क्रूवाला और हरमन बवेजा। कैप्टन इंडिया मूवी में कार्तिक आर्यन एक पायलट के रूप में नजर आने वाले हैं और इस मूवी में वो पैसेंजर्स की जान बचाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल सोशल मीडिया में इस मूवी का एक पोस्टर लॉन्च किया गया है, जो कि कार्तिक आर्यन के फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इस पोस्टर में कार्तिक आर्यन एक पायलट के लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पायलट का एक कैप लगाया हुआ है और कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, जिसमें कार्तिक आर्यन बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। फिलहाल कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 और फ्रेडी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें वो कंटिन्यू बिजी है। हो सकता है इन दो मूवी को कंप्लीट करने के बाद में वो बहुत ही जल्द कैप्टन इंडिया मूवी का शूट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि कैप्टन इंडिया मूवी के मेकर्स ने अभी तक इस मूवी को रिलीज करने की कोई भी डेट सामने नहीं लाई है। हो सकता है बहुत ही जल्द सोशल मीडिया पर वो इस मूवी को रिलीज करने की कोई डेट शेयर करें और ये मूवी हमें साल 2022 के एंड तक देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी कैप्टन इंडिया से जुड़ी हुई सारी जानकारियां जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज़ की अपडेट्स हम सबसे पहले लेकर आते हैं।